सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, क्या आप भी इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स को वायरल करना चाहते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं, और आप यूट्यूब पर सर्च कर चुके हैं कि हाउ टू गेट इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम अकाउंट? तो गाइस, आपको कोई भी वीडियो हेल्पफुल नहीं मिल पाई है। गाइस, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप अपने फॉलोवर्स के पीछे भागते हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स को कैसे बढ़ाएं, बट गाइज ये आप सबसे गलत करते हैं। गाइज, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, शायद आपको अभी तक ये बात किसी ने ना बताई हो। गाइज, आप अपने रील्स पर व्यूज लाएं, आप अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा कंटेंट डालें जिससे कि आपकी रील्स पर व्यूज आएं, क्योंकि गाइज आपकी रील्स पर वायरल होगी या फिर आपकी रील्स पर ठीक ठाक व्यूज आते हैं, तो व्यूज आने के कारण गाइज लाइक्स बढ़ती हैं, और लाइक्स बढ़ने के कारण उसी के साथ साथ आपके फॉलोवर्स भी ऑटोमेटिक ही गेन हो जाते हैं। मेरे कहने का मकसद गाइज यही है कि आपको कोई भी किसी वेबसाइट से अपने लोकल फॉलोवर्स को गेन नहीं करना है, अपने इंस्टाग्राम को डेड नहीं करना है, ठीक है? और गाइस, आपने अगर मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया है कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम की रीच वगैरह सब कुछ आप अपने इंस्टाग्राम को कैसे देख सकते हैं अंदर से, ठीक है? तो गाइस, आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी वीडियो 100% वायरल हो जाएगी। और गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं आपके लिए डेली न्यू से न्यू ट्रेंडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की रील्स की एडिटिंग लाते रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब मैं आपको बताता हूँ उन दो ट्रिक्स के बारे में। सो गाइज, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिन ट्रिक्स को यूज़ करने के बाद मेरी रील्स भी वायरल हो चुकी है। मैं यहाँ पर आपको साइड में एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। गाइज, जो अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, गाइज इसमें जब मैंने अपनी इंस्टाग्राम की रील्स को अपलोड करा था तो मैंने अपनी एक साथ 2-3 रील्स में वो ट्रिक यूज़ करी थी। यूज़ करने के बाद गाइज मैंने देखा तो मेरी रील्स यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छा रिस्पॉन्स दे चुकी है। गाइज, उससे पहले मैं अपनी रील्स को अपलोड करता था तो इससे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो गाइज, आपने यहाँ पर देख लिया, काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल चुका है, और मैं आपको यही बताऊँगा कि आपको इन ट्रिक्स को यूज़ करने के बाद आपको भी ये देखना है कि आपकी रील्स वायरल होती है या फिर नहीं। वैसे तो गाइज मेरी हुई है तो शायद आपकी भी ज़रूर 100% रील्स वायरल होगी। तो आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना, मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। गाइज, अब मैंने यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद गाइस आपको ऊपर 3 लाइंस पर क्लिक करना है। 3 लाइंस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको सबसे पहले तो आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल कर देना है। मैं आपको बैक कर दिखा देता हूँ गाइस प्रोफेशनल अकाउंट आपको कैसा दिखता है। गाइस, जैसे कि आप अभी मेरा इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आपको प्रोफेशनल में चेंज कर लेना है। आप उसे कैसे कर सकते हैं? 3 लाइंस पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में आने के बाद एक ऑप्शन मिल जाता है, ऐड टू न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। आपको इस पर क्लिक करके आपका अकाउंट प्रोफेशनल बन जाएगा। अब मैं आपको उन ट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। तो आपको 3 लाइंस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी का। आपको सिंपली प्राइवेसी पर क्लिक करना है। और गाइस, जब आप प्राइवेसी पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर प्राइवेट अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है। तो आपको सबसे पहले इस अकाउंट को, यानी कि प्राइवेट अकाउंट को ऑफ रखना है। इससे क्या होता है, आपकी रील्स किसी के पास भी जा सकती है, कोई भी आपकी रील्स को लाइक कर सकता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपने प्राइवेट अकाउंट को इनेबल रखते हैं तो आपकी कोई भी रील्स नहीं देख सकता है, और आपकी ना ही पोस्ट देख सकता है, ना ही आपकी स्टोरी देख सकता है। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लेना है, ठीक है? यानी कि प्राइवेट को आपको डिसेबल कर देना है। अब गाइस, आपको यहाँ पर बैक आना है, और बैक आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा प्राइवेसी के अंदर, रील्स एंड रिमिक्स। तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को इनेबल रखना है। यानी कि गाइस, इससे क्या होता है, अगर आपके ये ऑप्शन बंद होते हैं तो आपके रील्स के साथ कोई भी रिमिक्स नहीं कर पाता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो यहाँ पर आपकी जैसे गाइस किसी के पास भी रील्स पहुँची, और रील्स पहुँचने के बाद गाइस आपकी रील्स पर मान लीजिए 2000, 4000 या गाइस 10,000 व्यूज आपके रील्स पर आ चुके हैं। अब किसी की भी आपकी जो है रील्स अच्छी लगी तो आपको गाइस वो बंदा जो है अगर 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद अपनी आपकी रील्स के साथ रिमिक्स कर सकता है, यानी कि ड्यूट जो होता है
आपके रील्स के साथ कोई भी ड्यूट कर सकता है। अब बंदा जो बंदा आपकी रील्स के साथ ड्यूट करेगा ना, तो गाइस जो ड्यूट के साथ उस रील्स पर व्यूज आएंगे वही रील्स भी वो व्यूज भी आपके रील्स पर ऐड होते हैं। तो इससे गाइस ये फायदा रहता है, आपके अकाउंट ग्रो होने का चांस हो जाता है। आपकी रील्स को कोई भी ड्यूट कर लेगा, रिमिक्स कर लेगा, तो इससे आपका अकाउंट भी काफी सारे रीच और काफी सारे व्यूज आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आपको इन दोनों ऑप्शनों को इनेबल रखना है। और इसी के साथ साथ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फेसबुक रिकमेंडेड ऑन फेसबुक। गाइस ये तो आपके इंस्टाग्राम के लिए काफी सारा यूजफुल ऑप्शन है, क्योंकि गाइस इससे क्या होता है, आपने कोई भी रील्स डाली है, ठीक है, और इस पर रील्स पर डालने के बाद गाइस आपका वो जो रील्स है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपकी रील्स जब आप इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं तो वो आपकी इंस्टाग्राम पर भी अपलोड हो जाती है और फेसबुक रील्स पर भी अपलोड हो जाती है। और जो फेसबुक रील्स पर आपको व्यूज मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, वो सब व्यूज और लाइक्स आपकी इंस्टाग्राम रील्स पर जुड़ जाते हैं। तो गाइस यही हमारी दो हेल्पफुल ट्रिक्स थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्रेंड के साथ।